का आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसमें राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हींग डाल देंगे। इन सबको थोड़ा सा चलाने के बाद हम उसमें बॉइल्ड मैश पोटैटोज डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को आपस में मिलाने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, लाल मिर्च और सबसे ज़रूरी अदरक, लहसुन व मिर्ची का पेस्ट। साथ ही चटपटे स्वाद के लिए चाट मसाला। इन सभी को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अच्छे स्वाद और अच्छे रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे व अंत में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा आलू बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक बाउल में बेसन लेंगे और उसमें नमक, लाल मिर्च व थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इन सभी को मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसका अच्छे से बैटर बना लेंगे, जब तक ये इस कंसिस्टेंसी का ना बन जाए। बेसन का घोल बनाने के बाद हम कढ़ाई में तेल डालकर उसमें लहसुन फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई करने के बाद जैसे हम बूंदियाँ बनाते हैं वैसे ही हम इस चम्मच से बेसन फ्राई कर लें। इन दोनों ही चीज़ों को निकालने के बाद हम मिर्ची को बीच से काट कर उसे फ्राई कर लेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। वड़ा पाव के अंदर डलने वाली ड्राई गार्लिक चटनी को बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार में फ्राई किए हुए लहसुन और फ्राई किया हुआ बेसन डालकर उसे दरदरा पीस लेंगे। इसके बाद अब अपने वड़ों को बनाने के लिए हमने जो आलू बनाया है उसके बॉल्स बनाकर उसे बेसन के घोल में डिप करके डीप फ्राई कर लेंगे। वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब वड़ा पाव को असेंबल करने के लिए हम एक तवे पर बटर डालकर पाव को कट करके उसे सेक लेंगे। मैंने यहाँ पाव छोटे लिए हैं, आप चाहे तो बड़े पाव भी ले सकते हैं। पाव में सबसे पहले धनिया पुदीना की चटनी, हमारा वड़ा, ड्राई गार्लिक चटनी और फ्राई हरी मिर्च डालकर इसे सर्व करें। देखिए, हमारा वड़ा पाव बनकर तैयार हो गया है। तो दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों का फेमस मिलकर बना वड़ा पाव आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, जल्दी सबसे सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।